एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव। और मैं हूँ प्रीति। और टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो है क्लब फैक्ट्री हॉल। और एक्चुअली मैंने जस्ट अभी मेरा ये क्लब फैक्ट्री का पार्सल रिसीव किया है और इसे मैंने ओपन भी नहीं किया है। मेरी जो चैनल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मुझे कोई पार्सल रिसीव हुआ है और मैंने इसे अभी तक ओपन नहीं किया है, क्योंकि मैं इसे आप लोगों के साथ में ओपन करना चाहती हूँ और प्रॉपर दिखाना चाहती हूँ कि चीज़ें किस तरीके से पैक होकर आई है। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, इस बार मैंने सारी चीज़ें मेरी डॉटर के लिए लिया है। तो अगर आपको बच्चों की चीज़ें देखने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये वीडियो यहीं पर छोड़ सकते हैं, और अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। बहुत ही क्यूट क्यूट सी और सब बहुत अफोर्डेबल चीज़ें मंगवाई हैं क्लब फैक्ट्री से। मैं जब भी सामान खरीदती हूँ, मैं एक चीज़ को हमेशा माइंड में रखती हूँ कि मैं ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें ना खरीदूँ, क्योंकि क्लब फैक्ट्री में चीज़ें ख़राब भी आ जाती हैं। हम बहुत पैसे लगा करके कुछ खरीद लिए, कोई ड्रेस खरीद लिया, बट अगर वो ख़राब आ गई, कोई शूज़ खरीद लिया, कोई बैग खरीद लिया, तो इनकी जो रिटर्न पॉलिसी है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। एंड मेरा जो मैंने अभी तक के दो क्लब फैक्ट्री हॉल्स किए हैं, ये थर्ड है। फर्स्ट जो क्लब फैक्ट्री हॉल था वो मैंने सीओडी किया था, कैश ऑन डिलीवरी। सेकंड वाले में मैंने पे कर दिया था, देन इस टाइम मैंने फिर से सीओडी किया है। और मेरे जो फर्स्ट वाले वीडियो है उसमें बहुत सारे लोग बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि सीओडी अवेलेबल है, बट मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दे रही हूँ जहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ये सीओडी ही किया था, कैश ऑन डिलीवरी। और कैश ऑन डिलीवरी इंडिया के कुछ पिन कोड्स में अवेलेबल है, कुछ स्टेट्स में या फिर कुछ जगहों में, हर जगह सीओडी अवेलेबल नहीं है। और मैंने 1817 रुपीज़ का सामान खरीदा है, और सीओडी करने से 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते हैं। मतलब आपने जितना भी सामान मंगवाया है, अगर आपने उसे सीओडी किया है तो आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। और फिलहाल क्लब फैक्ट्री में शिपिंग जो है वो फ्री है, तो अगर आप सीओडी नहीं कर रहे, कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर रहे, आप पहले ही पेमेंट कर दे रहे हैं, तो आपकी शिपिंग बिल्कुल फ्री रहेगी। जो मैंने एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ पे किया है सीओडी के नाम पे, वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर वो लिस्ट भी ओपन करके रख ली है कि मैंने कितने रुपये में ख़रीदा और अभी कितना प्राइस है पर्टिकुलर चीज़ों का। और क्लब फैक्ट्री में क्या होता है, जो प्राइसेस होते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो चलिए अभी सबसे पहले हम पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से पैक होके आया है, ये देखिए। पहले ब्लू कलर में आता था, वाइट एंड ब्लू में, अब वाइट एंड ये ऑरेंज टाइप में आने लग गया है। और ये बीच में क्लब फैक्ट्री का स्टिकर है, यहाँ मेरा एड्रेस और इनवॉइस वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए मैंने बिल्कुल ओपन नहीं किया है, अब मैं आप लोगों के साथ में इसे ओपन करूँगी। तो जल्दी से मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए ओपन करते ही अंदर सारी चीज़ें ऐसे बबल रैप्ड है इस तरीके से। ओके, तो सबसे पहले ऊपर है ये दो ड्रेसेस जो कि मैंने मेरी बेटी टिमटिम के लिए मंगवाया था, और मैंने सबसे मिनिमम कॉस्ट वाली ड्रेसेस ही मंगवाई थी, मैंने ज़्यादा कॉस्टली ड्रेसेस नहीं मंगवाई। तो जो ड्रेसेस है वो इस टाइप के जिपलॉक में आई है, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। और जो बाकी का सामान है वो ऐसे रैप्ड आया है, मैंने एसेसरीज भी मंगवाई थी उसके लिए, क्योंकि क्लब फैक्ट्री में एसेसरीज बहुत सुंदर होती है और बहुत अफोर्डेबल होती है। वही अगर आप H&M जाएंगे या दूसरे ब्रांड्स में जाएंगे, वहाँ आपको जो बैंड्स इनके यहाँ 100 रुपये में मिलते हैं, आपको H&M में 400 रुपये के मिलते हैं, मैंने अभी रिसेंटली जाके देखा था। तो दैट्स वाई मैं जो बच्चों की एसेसरीज होती है, क्लिप्स और बैंड्स वगैरह, उसके लिए मैं क्लब फैक्ट्री को ही प्रेफर करती हूँ। सबसे पहले हम ये वाली ड्रेस देख लेते हैं, रेड वाली ड्रेस। और मेरी बेटी है 4 ईयर्स की, मतलब जस्ट अभी उसने थोड़े दिन पहले ही 4 ईयर्स कंप्लीट किया है। तो मैंने उसके लिए 110 सेंटीमीटर साइज लिया था, क्योंकि साइज में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये देखिए, ये है एक टॉप रेड कलर का, जैसा दिखा था वैसा ही है बिल्कुल। इसे एज वन पीस भी पहना सकते हैं, और इसके नीचे वाइट लेगी भी पहना देंगे तो बहुत प्रिटी लगेगा। ये देखिए यहाँ पर ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये बहुत पसंद आएगा टिमटिम को, उसको इस टाइप की ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये है रेड कलर का, मैंने 110 साइज ऑर्डर किया था। तो ये मैंने खरीदा था 266 रुपीज़ में, और अभी इसका जो प्राइस है वो है 252, मतलब कुछ रुपीज़ कम हुए हैं। तो 200 समथिंग में इतना प्यारा ड्रेस, इसे आप एज पार्टी वेयर भी पहना सकते हैं, मतलब इसके ऊपर अच्छे से एसेसरीज पहना दी और थोड़ा बच्चे को अच्छे से रेडी कर दिया, तो ये एक पार्टी वेयर वन पीस भी हो जाएगा, और इसे लेगी के साथ भी पहना सकते हैं। और मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो मटेरियल भी इसका अच्छा है, और 250 रुपये में आई डोंट थिंक इससे अच्छा कुछ मिलता है। तो ये है फर्स्ट पीस। फिर उसके बाद में मैंने एक टॉप ऑर्डर किया उसके लिए, फुल स्लीव्स का टॉप, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है, तो मैंने सोचा एक ट्राई करके देखते हैं। तो ये है वो, ये भी मैंने 110
साइज में ही लिया, 110 सेंटीमीटर के साइज में। और ये देखिए इसका साइज अच्छा लगा ये भी मुझे। इसकी प्राइस 300 समथिंग थी। ओके तो इसकी प्राइस मैंने इसे खरीदा है 358 रुपीज़ में और अभी इसकी प्राइस हुई है 360 रुपीज़, मतलब 2 रुपये बढ़े हैं बस इसमें। और क्वालिटी वाइज ये अच्छा है, थोड़ा थिक कपड़ा है तो ठंड भी नहीं लगेगी, जैसा मैंने आपको बताया मैंने यही सोच के लिया था कि मौसम ठंडा हो रहा है। और मटेरियल भी इसका अच्छा है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है तो बच्चे के लिए बहुत कम्फर्टेबल होगा। तो ये था सेकेंड क्लोथिंग आइटम जो मैंने उसके लिए खरीदा। मैंने बस ये 2 ही कपड़े खरीदे उसके लिए, क्योंकि मैं सबसे मिनिमम का फिल्टर लगा करके खरीदती हूँ, जो चीज़ सबसे सस्ती है वही मैं क्लब फैक्ट्री से खरीदना प्रेफर करती हूँ। अब चलिए एसेसरीज वाला ये ओपन करते हैं। तो एसेसरीज सारी बबल रैप होके आई है ताकि कुछ भी नुकसान ना हो, कुछ टूटे ना, तो इसे अभी मैं ओपन करती हूँ। अभी सबसे पहले जो सबसे ऊपर रखा है, माय गॉड दिस इज सो क्यूट, ये देखिए वो तो बहुत हैप्पी होगी। फिलहाल वो स्कूल गई है, बट जब उसे ये सब दिखेगा ना तो वो बहुत हैप्पी होगी, उसे बहुत पसंद है इस टाइप की चीज़ें यूज़ करना। सो ये है हेयर बैंड सनफ्लावर वाला। ओ माय गॉड दिस इज सो क्यूट, है ना। मैंने इसी टाइप का देखा था H&M में, बट वहाँ वाइट फ्लावर्स थे और वो था 399 रुपीज़ का। और मैं इसका प्राइस आपको बताती हूँ, ये मैंने खरीदा है 164 रुपीज़ में और अभी इसका प्राइस हो गया है 178 रुपीज़, मतलब थोड़ा प्राइस बढ़ा है। तो ये है फर्स्ट एसेसरी, मतलब बच्चों को इस टाइप की चीज़ें बेबी गर्ल्स को पहनाना तो बहुत क्यूट लगते हैं। सिंपल सी ड्रेस में भी ऐसा कुछ पहना दिया तो बहुत क्यूट लगता है। और अभी इंडियन मार्केट में ये सारी चीज़ें उतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई मैं क्लब फैक्ट्री प्रेफर करती हूँ। तो ये है फर्स्ट पीस। देन उसके बाद ये बहुत ही क्यूट है और ये पार्टी वेयर भी है, कम्प्लीटली पार्टी वेयर है। यहाँ पर इसमें पर्ल्स लगे हुए हैं और बहुत ही पसंद आया मुझे ये भी। मैं नहीं लगा रही फिलहाल, बट आप देख सकते हैं बहुत क्यूट है। मैं मेरी बेटी को ये सारी चीज़ें लगा के और साइड में पिक्चर्स इंसर्ट करूँगी, आप देख सकते, आपको पता चलेगा कि कैसा दिखता है। तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और कंप्लीट पार्टी वेयर चीज़ है, बच्चे को आराम से किसी भी पार्टी में ये पहना करके भेज सकते हैं। और ये मैंने ख़रीदा था 143 रुपीज़ में और अभी इसकी प्राइस हो गई है 146 रुपीज़, मतलब 3 रुपये इसकी प्राइस बढ़ी है। एज आई सेड, क्लब फैक्ट्री में जो प्राइजेस है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो ये है सेकंड पीस। देन उसके बाद मैंने उसके लिए ये पॉम पॉम वाले हेड बैंड लिया और वो बहुत खुश होगी बिकॉज ये पिंक कलर में है, उसको पिंक कलर बहुत पसंद है। मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको, क्यूट है ना। ये पॉम पॉम लगे हुए हैं दो, इस टाइप से रहेगा ये हेड बैंड कुछ। और क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छा है और ये मैंने ख़रीदा है 142 रुपीज़ में और अभी इसकी प्राइस है 140 रुपीज़, मतलब 2 रुपये इसमें प्राइस, इसकी जो प्राइस है वो कम हुई है। सो ये है नेक्स्ट पीस। ओ माय गॉड लुक एट दिस, ये भी बहुत ही प्रिटी है और वो बहुत हैप्पी होगी क्राउन देख के, क्योंकि गर्ल्स को प्रिंसेस बनने का वैसे भी बहुत शौक होता है बचपन से। सो ये मैंने लिया उसके लिए, ये भी किसी बर्थडे पार्टी वगैरह, वो जो रेड ड्रेस मैंने लिया उसके साथ में अगर मैं उसे ये पहनाऊंगी और किसी भी पार्टी में वो आराम से जा सकेगी। ये देखिए यहाँ पे क्राउन है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये मैंने ख़रीदा है 166 रुपीज़ में और अभी इसकी प्राइस हो गई है 161 रुपीज़, मतलब 5 रुपीज़ इसकी प्राइस कम हुई है। और ये बहुत ही अच्छा है, अगर आपको आपके बच्चे के लिए लेना है तो गो फॉर इट, और उसके बर्थडे में भी आप इसे आराम से पहना सकते हैं अपने बच्चे के बर्थडे में और आपकी बेटी बहुत हैप्पी होगी इसे यूज़ करके और इसे देख के इनफैक्ट। तो ये है नेक्स्ट। सारे हेडबैंड इस तरीके से पैक होके आए हैं अलग अलग टाइप की पॉलीबैग में। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये पूरा सेट, ये एसेसरीज का पूरा एक सेट है। एक्चुअली मैंने 2 सेट्स मंगवाए हैं जिसमें से फर्स्ट ये सेट है। हाँ तो ये जो सेट है ये मैंने खरीदा है 167 रुपीज़ का और अभी इसकी प्राइस हुई है 161 रुपीज़। अब मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ कि इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। ये बहुत अच्छे से पैक्ड आया है। सबसे पहले इसमें ये एक बो वाला हेडबैंड मिला है, फिर उसके बाद इसमें ये 2 रबर बैंड्स मिले हैं चोटी करने के लिए बो वाले। देन उसके बाद में ये मिले हैं 2
बो क्लिप्स, अगर आप दो पोनी टेल्स कर रहे हैं बच्चे की तो उसे ये दोनों में लगा दीजिए, बहुत क्यूट लगेगा। एंड फिर उसके बाद फिर मैंने एक और, फिर उसके बाद उसमें एक और ये बो क्लिप का पैर है, मतलब टोटल आपको मिलेंगे दो बो क्लिप के पैर्स और एक रबर बैंड का पैर और एक हेड बैंड 167 रुपीज में। इससे ज्यादा और क्या मिलेगा, इंडियन मार्केट में तो बहुत ही कॉस्टली मिलेगा ये सेट अगर मैं लेने जाऊंगी तो बहुत अफोर्डेबल है ये। और अगर आप कुछ देख रहे हैं तो गो फॉर इट, ये बहुत अफोर्डेबल है और क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। मतलब मुझे ये सिर्फ कितने रुपए में मिला, 167 रुपीज में मिला और अभी इसकी प्राइस है 161। सो आप देख सकते हैं ये। देन एट लास्ट ये मैंने एक और एसेसरी का सेट खरीदा है, आपने मेरे जो सेकंड क्लब फैक्ट्री हॉल था उसमें देखा होगा, मैंने एक ऑलरेडी ये खरीदा था बट वो मैंने डेनिम कलर में खरीदा, डेनिम ब्लू कलर में, और दिस टाइम मैंने पिंक कलर का सेट खरीदा है बिकॉज मुझे ये सेट बहुत पसंद आया, क्वालिटी वाइज हो, लुक वाइज हो, हर चीज़ में ये जो सेट है ये बहुत अच्छा है, दैट्स व्हाई मैंने इस बार भी एक खरीद ही लिया उसके लिए। ये देखिए ये ऐसी पैकेजिंग में आता है, इसे ओपन करेंगे तो ये देखिए ये है अंदर सारी एसेसरीज पिंक कलर की। सबसे पहले ये एक रैबिट है, रैबिट वाला क्लिप, फिर उसके बाद ये बड़ा सा एक बो वाला क्लिप, देन उसके बाद ये एक और बो क्लिप, देन क्राउन, पिंक क्राउन, देन स्टार क्लिप, देन एक और बो क्लिप, दिस वन स्टार क्लिप, हार्ट वाला क्लिप, एंड ये दो छोटे छोटे से क्लचर्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। तो ये इतनी सारी चीजें इस बॉक्स में आई है, इसका प्राइस मैं आपको बता दूं ये है 289 रुपीज का मैंने खरीदा है और अभी इसकी प्राइस हो गई है 298 रुपीज। एंड आई डोंट थिंक कि 298 रुपीज में ये इतनी सारी एसेसरीज महंगी है बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी ब्लू कलर का है इसका सेट और वो हर वक्त एक अलग ही लुक देता है और अभी वैसे का वैसे ही मैंने बहुत बार यूज कर लिया मेरी बेटी के लिए बट वो अभी तक के वैसे का वैसे ही है और क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। सो बस इतनी सी चीजें थी जो कि मैंने टिमटिम के लिए मंगवाया इस बार, मेरी बेटी के लिए मंगवाया इस बार, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देंगे। और अभी मैं फिर से क्लब फैक्ट्री से कुछ चीजें ऑर्डर करने वाली हूँ, मे बी 2-3 दिन में फिर से कर दूंगी बिकॉज मुझे अच्छी लगती है क्लब फैक्ट्री की चीजें बट सस्ती चीज़ें ऑर्डर करती हूँ, मैं रिस्क नहीं ले सकती महंगी चीज़ें ऑर्डर करके क्योंकि अगर ख़राब आ गई तो उनकी रिटर्न पॉलिसी बहुत बुरी है। दैट्स वाई अगर आप भी कुछ खरीदना चाहते हैं क्लब फैक्ट्री से तो कोशिश करें कि आप सस्ती चीज़ें खरीदें कि अगर कोई चीज़ ख़राब आ भी गई तो उतना ज़्यादा दुख ना हो। सो बस इतना था, प्लीज़ लाइक कर देना अगर पसंद आया होगा तो, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।